पानी की व्यवस्था कहाँ पे है ये लोग आपको बताएंगे, उसी हिसाब से सब अपनी अपनी व्यवस्था से करें। अगर किसी को व्यवस्था में कोई कमी रह भी जाए तो जैसे मैं आया हूँ वैसे आप सब लोग आए, और जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे आप अपने अपने घर सब चले जाना। ये आपका हमारा प्रोग्राम है, किसी का कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम ये नहीं है। अब यहाँ पे एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ रणजीत सिंह जी सोडाला साहब के बारे में। आपको वैसे सबको मालूम होगी लेकिन मैं मेरे तरीके से बताता हूँ, शायद ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी आप लोगों के। आज से 10-12 साल पहले मैं एक शादी में गया कहीं पे, तो वहां पे हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब एक आदमी है जिनका नाम है रणजीत सिंह सोडाला, वो रावणा राजपूत समाज का झंडा लिए और गांव गांव घर घर घूम रहा है, अकेला घूमता है बिना किसी गाड़ी के बिना किसी घोड़े के, लेकिन पता नहीं क्यों घूम रहे, कितने दिन तक वो चलेंगे और क्या उसका अंजाम होगा। लेकिन उस आदमी ने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया कि मुझे समाज को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना है, क्योंकि इस समाज में एक और परेशानी है कि ये समाज बिना ढूंढे मिलता नहीं है, ये समाज बिना ढूंढे मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। आदमी तो सारे हैं, जिंदा हैं, जो पैदा हुए वो जिंदा भी हैं, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है जाके कि भाई आप जो है वहां से बाहर निकलो, आप अपने आप को रावणा समाज से बताओ, लोग बताने में भी शर्म करते हैं। तब रणजीत सिंह सोडाला एक आदमी था जो अकेला ही सड़क पे निकला। मैं आप लोगों के माध्यम से सोडाला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाई और बहुत कम समय में आज आप 50,000 लोगों को, मानी 50,00,000 लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब रहे हैं कि भारत में रावणा राजपूत समाज जितना ताकतवर पहले था मेजर जसपत सिंह के टाइम पे, उतना ही ताकतवर आज भी है। और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के प्रोग्राम में मैं मंजीत पाल जी से मिला था, उसके बाद में उनसे मेरी बात भी नहीं हुई, एक बार फोन पे हाय हेलो हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी, उनको मालूम चला कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ हेलीकॉप्टर से, तो उन्होंने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे भेजी। ये है इस समाज की अनुशासनता कि कौन भाई को कहाँ पे किसकी क्या जरूरत है वो वहां पे उसके हिसाब से अपना काम करता है। जो एक नई बात निकल के आई बीच में, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहता हूँ, ठीक है, जो हमारे पीएनडी साहब चलाते हैं, मैं उसमें लिखता तो नहीं हूँ लेकिन पढ़ता हूँ, मैं उसको आप सब लोग भी पढ़ते होंगे। एक शब्द पहले मैं बताता हूँ जिससे मेरे को तकलीफ है, सोडाला साहब उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, मुझसे उससे बड़ी तकलीफ होती है। ये इस्तेमाल करते हैं कि हमारे भामा साहू ने